देखिए जेई एग्ज़ाम ऑफिशियली तो ऐसा कुछ बताती नहीं है कि हम 11th से कितना परसेंटेज पूछेंगे या 12th से कितना परसेंटेज पूछेंगे, बट 11th की जो बेसिक एनसीईआरटी है, 12th की जो बेसिक एनसीईआरटी है, उनसे मिलके ही पूरा जेई सिलेबस बनता है। तो आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो बट ऑब्वियस है कि आप 11th 12th का बेसिक तो पढ़ना ही है आपको, बट सिर्फ बेसिक पढ़ने से जेई क्लियर नहीं होती है, आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ता है। बेसिकली जो 11th वाला पोर्शन है वो रिलेटिवली बच्चों को टफ पड़ता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 9th टफ पड़ता है और 10th जो है रिलेटिवली ईजी होता है, उसी तरीके से जो 11th है उसमें बेसिकली 9th की गहराइयाँ हैं और जो 12th है उसमें बेसिकली 10th की गहराइयाँ हैं। तो 11th बच्चों को थोड़ा टफ लगता ही है जेई प्रिपरेशन के दौरान, और 12th बच्चों को ईजी लगता है क्योंकि जो चैप्टर वाइज चैप्टर्स भी हैं वो 11th में थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं एज़ कम्पेयर टू 12th के। मोर ओवर जब बच्चा 11th की प्रिपरेशन कर लेता है, इस शेड्यूल को फॉलो कर लेता है, इतनी प्रैक्टिस कर लेता है, इतने टेस्ट दे देता है, इतने लेक्चर्स अटेंड कर लेता है, तो उसका एक मेंटल लेवल है वो भी रिलेटिवली काफ़ी ग्रो कर जाता है। तो जब वो 12th आता है तो सिलेबस भी इजी होता है और वो एक उसका मेंटल लेवल भी पहले से बेटर हो जाता है, तो 12th के चैप्टर उसको रिलेटिवली इजी रखते हैं। बट अपन ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 50-50% दोनों ही 11th का और 12th का वेटेज होता है।